वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आप लोगों में से 99.9% बंदे ऐसे हैं जिनका कि गाइस फ्री फायर के अंदर एनिमी के हेड पे एम लॉक होता ही नहीं है एंड गाइस उनका हेडशॉट नहीं लगता। लेकिन गाइस आप लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ऐसी सेंसिटिविटी सेटिंग एंड गाइस एक बेस्ट फायर आइटम का साइज प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसके बाद गाइस आप लोग का सभी गन से एनिमी के हेड पे एम लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड गाइस आप लोग को ऑटो एम लॉक हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा, जो गाइस आप लोग किसी भी प्रो प्लेयर को बहुत इजीली केवल एक बुलेट में नॉक कर सकते हो। सो गाइस आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते रहिएगा। अगर चैनल पर नहीं हो पहली बार तो सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको फटाक जाके इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टा करने में गाइस यूनिक एफएफ टिप्स। चलिए फाइनली आज की धमाकेदार वीडियो को तुरंत ही स्टार्ट करते हैं। गाइस ये हमारी सेंसिटिविटी सेटिंग, जिसको गाइस मैंने रीसेट कर दिया है। एक बार मैं फिर से आप लोग के सामने रीसेट कर देता हूँ। इसमें सबसे नीचे पहला ऑप्शन आता है गाइस हमारा फ्री लुक का, जो कि हम लोग को फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट 65 प्रोवाइड कराया गया है। अब गाइस मैं आप लोग को बता दूं, फ्री लुक का गाइस यार हमारे एम लॉक से कोई भी कनेक्शन नहीं, क्योंकि फ्री लुक से हमारा हेडशॉट नहीं लगता। बट गाइस जो आप लोग का फ्री लुक का बटन है वो 65 अच्छे तरीके से रोटेट नहीं होता है, कभी कभी अटक जाता है। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि इसको इंक्रीज करके आप लोग क्या करना कि इसको 131 पे सेट करना। जैसे गाइस आप लोग इसको 131 पे करोगे, उसका जो आप लोग का फ्री लुक का बटन है वो बहुत इजीली गाइस यहां पर रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड गाइस ये कभी भी अटकेगा नहीं एंड बहुत आराम से आप लोग आगे पीछे लेफ्ट राइट रोटेट करके एनिमी को देख पाओगे। तो गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वे गाइस यहाँ पर स्नाइपर स्कोप, और ये फायदे से डिफॉल्ट हम लोग को 50 प्रोवाइड कराया जाता है। अगर गाइस आप लोग अपने स्नाइपर स्कोप को 50 पे यूज करते हो एंड स्नाइपर गन को यूज करते हो तो आप लोग का एक भी बुलेट एनिमी के बॉडी या हेड पे एम लॉक नहीं होता है। आप लोग का सारा बुलेट एनिमी को मिस कर जाता है, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से निकल जाता है। एंड अगर आप लोग को स्नाइपर से एनिमी को मारना होता है तो आप लोग ऐसे स्कोप ओपन करके तब बॉडी से हेड शॉट मारते हो। इसमें गाइस आप लोग को स्कोप करते समय बहुत ईजिली कोई भी प्लेयर मार के चला जाता है। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि जो आप लोग की स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी है उसको आप लोग इसको इंक्रीज करके 165 पे सेट कर देना। जिससे गाइस आप लोग अपने स्नाइपर स्कोप को 165 पे सेट करोगे, उसके बाद गाइस स्नाइपर से आप लोग का हर एक शॉट एनिमी के बॉडी एंड हेड पे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट स्कोप, जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो मेरा स्नाइपर कितना अच्छा चल रहा है। तो आप लोग भी गाइस अपने स्नाइपर सेंसिटिविटी सेटिंग को 165 पे सेट कर लेना। गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वे गाइस यहाँ पर 4x स्कोप, और ये फैक्टर्स डिफॉल्ट हम लोग को 65 प्रोवाइड कराया जाता है। अगर गाइस आप लोग अपने 4x स्कोप को 65 पे यूज़ करते हो एंड अपना स्कोप ओपन करते हो, देन जो आप लोग का एम होता है वे एनिमी के बॉडी पे ही चला जाता है ऑलरेडी। एंड गाइस आप लोग कितना भी ड्रैग करते हो बट गाइस आप लोग का एक भी बुलेट हेडशॉट नहीं लगता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली आप लोग क्या करना कि अपने गाइस 4x स्कोप की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके आप लोग गाइस यहाँ पर इसको 115 पे सेट कर देना। उसका जैसी गाइस आप लोग अपना 4x स्कोप ओपन करोगे तो डायरेक्ट जो आप लोग का एम है वो एनिमी के हेड पे चला जाएगा एंड गाइस बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा, जो कि आप लोग मेरा देखो मेरा यहां पर गाइस 4x स्कोप के अंदर कितना ज्यादा हेडशॉट लग रहा है। गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वे गाइस यहाँ पर 2x स्कोप, और ये फिफा की तरफ से डिफॉल्ट हम लोग को 75 प्रोवाइड कराया जाता है। अगर गाइस आप लोग अपने 2x स्कोप को 75 पे यूज करते हो एंड अपना 2x स्कोप ओपन करते हो तो आप लोग का जो एम होता है वे गाइस 2x स्कोप के अंदर भी पूरा बॉडी पे ही लॉक हो जाता है। आप लोग कितना भी ड्रैग करते हो आप लोग का एक भी बुलेट हेडशॉट नहीं लगता। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए सिंपली आप लोग क्या करना कि अपने 2x स्कोप की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके आप लोग इसको 145 पे सेट देना। जैसे गाइस आप लोग इसको 145 पे करोगे, उसको जैसे आप लोग यहां पर स्कोप ओपन करोगे तो डायरेक्ट एम जो आप लोग का वे गाइस एनिमी के हेड पे चला जाएगा एंड जो आप लोग का एम लॉक है वे एनिमी के हेड पे बहुत इजीली हो जाएगा एंड गाइस आप लोग का बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा, जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो। तो गाइस अगली जो हमारी सेंसिटिविटी सेटिंग है एम लॉक के लिए, ये सेंसिटिविटी सेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गाइस यहाँ पर रेड डॉट, और ये फाइव सबसे डिफॉल्ट हम लोग को 85 प्रोवाइड कराया जाता है। एंड गाइस अगर आप लोग अपने रेड डॉट को 85 पे यूज करते हो तो आप लोग का बुलेट लिटरली गाइस बहुत ज्यादा रिकॉइल करता है। आप लोग की सारे बुलेट एनिमी को मिस करके आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट से निकल जाती है एंड गाइस आप लोग का बहुत ज्यादा बॉडी शॉट भी लगता है। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली आप लोग क्या करना कि रेड डॉट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके आप लोग 106 पे सेट कर देना। जैसे गाइस आप लोग अपने रेड डॉट को 106 पे करोगे, उसका गाइस आप लोग का एक भी बुलेट रिकॉइल नहीं करेगा। एंड गाइस बात करें यहां पर हेडशॉट का, तो आप लोग मेरा भी देखो मेरा यहां पर कितना ज्यादा हेडशॉट लग रहा है और मेरा एक भी बुलेट रिकॉइल नहीं कर रहा है।
गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वह गाइस यहाँ पर फ्री फायर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी सेटिंग, जिसका नाम है गाइस यार जनरल सेंसिटिविटी। और ये फायर सबसे डिफॉल्ट हम लोग को 65 प्रोवाइड कराया जाता है। अगर गाइस आप लोग अपने जनरल सेंसिटिविटी को 65 पे यूज करते हो तो सबसे पहले तो गाइस जो आप लोग का फोन का डिस्प्ले होता है वह गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से गाइस आप लोग गेम के अंदर अच्छे तरीके से मूवमेंट भी नहीं कर पाते। एंड बात करें जब हेडशॉट का, तो गाइस अगर आप लोग हेडशॉट मारने को जाते तो पहले तो जो आप लोग का एम है वह एनिमी के बॉडी पे ही रह जाता है। आप लोग ज्यादा ड्रैग करते हो अगर तो आप लोग का एम हवा में चला जाता है एंड आप लोग की सारी बुलेट मिस होती है एंड आप लोग का बॉडी शॉट बहुत ज्यादा लगता है। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि अपनी जनरल सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके आप लोग गाइस यहां पर इसको 119 पे सेट कर देना। जैसे गाइस आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग को 119 पे करोगे उसके बाद गाइस आप लोग का फोन का डिस्प्ले एकदम गाइस स्मूथ हो जाएगा एंड इसकी वजह से आप लोग का मूवमेंट स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड गाइस बात करें हेडशॉट का, तो जो आप लोग का एम है वह एनिमी के हेड पर ही डायरेक्ट लॉक होगा। आप लोग का एक भी बुलेट बॉडी शॉट नहीं लगेगा, आप लोग का सारा बुलेट हेडशॉट ही लगेगा, जो कि आप लोग मेरा भी देख रहे हो। गाइस यार ये तो बात हो गई हमारी सेंसिटिविटी सेटिंग की। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर फायर बटन साइज के बारे में। तो गाइस आप लोग देखो जो मेरा फायर बटन का साइज है वह है गाइस यहाँ पर 47 एंड लिटरली गाइस मैं इसी फायर बटन साइज को यूज करके बहुत ज्यादा हेडशॉट मारता हूँ एंड ये मेरे डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट है। और गाइस आप लोग का इस पे हेडशॉट नहीं लगता तो सिंपली आप लोग जिस भी फोन के अंदर गेम खेलते हो, वे किस कंपनी का फोन है, कितने जीबी रैम का है, अगर वे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे तो मैं आप लोग के लिए यहाँ पर एक बेस्ट फायर बटन का साइज रिप्लाई कर दूंगा। तो जरूर यार आप लोग अपने फोन का रैम एंड गाइस नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो गाइस देखो यार आज की इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगा है, तो प्लीज यार सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हाँ गाइस सभी लोग जाकर इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टा करने में गाइस यार यूनिक एफएफ टिप्स। तो बस आज के लिए तो ही मिलेंगे एक और रिजमाकेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए गाइस यार बाय बाय एंड गाइस राधे राधे।